बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है। अमेरिका ने सोचा होगा कि भारत को भी वो इसी तरह से दबा सकता है या भारत के ऊपर भी इसी तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सकता है। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. तो जी अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया भारत के लिए। उनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आजकल अरेस्ट किया हुआ है जी करप्शन केसेस में। कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये समझते हैं अमेरिकन कि सारी दुनिया रोटियां नाक में डालती है, सिर्फ यही है जो जिनको पता रोटी मुंह में डालनी है। हमने तो इंडिया वालों ने भैरह जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश देखा है ना दरिया देखा है भाई। वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। अमेरिका के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा यह भारत का आपसी मामला है और इसमें किसी दूसरे देश को बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इंडिया ने ये बताया है कि वी आर नॉट पाकिस्तान, कि आप जो है वो मुंह उठा के कुछ भी कहते रहे किसी को। भारत ने पाकिस्तान वाला रवैया अख्तियार नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहा कि ठीक है अमेरिका से बात करेंगे, अमेरिका को मनाने की कोशिश करेंगे या अमेरिका से कुछ कहेंगे। उसके जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने पर अमेरिका तो जैसे भारत पर रूठ ही गया हो। हर रोज अमेरिका की तरफ से केजरीवाल को लेकर भारत के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। अमेरिका का कहना है कि हाल ही में भारत में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना सही बात नहीं है। इसी बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान नहीं है, यह भारत का आपसी मामला है और इसमें किसी भी देश को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ अगर गैस पाइपलाइन पे काम करेगा तो जिस तरह की सैंक्शंस या जिस तरह की कहना चाहिए रुकावटें और बंदिशें देखने को मिली हैं ईरान को, वो पाकिस्तान को भी देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में ये कहा है या उनके हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जी अमेरिका से बात की जाएगी। जी हाँ, अमेरिका से बात की जाएगी, अमेरिका को राजी करने की कोशिश की जाएगी, अमेरिका को मनाने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका जो है वो इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां ना लगाए और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करने की परमिशन दे दे। अब यही सब चीजें देखते हुए यकीनन अमेरिका ने सोचा होगा कि भारत को भी वो इसी तरह से दबा सकता है या भारत के ऊपर भी इसी तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सकता है। तो जी अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया भारत के लिए। उनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आजकल अरेस्ट किया हुआ है जी करप्शन केसेस में। कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और इलेक्शन से पहले इस तरह से जो है वो किसी भी लीडर को या किसी भी पॉलिटिशियन को, बड़े पॉलिटिशियन को अरेस्ट करना ठीक नहीं है। इसके जवाब में जाहिर है भारत ने पाकिस्तान वाला रवैया अख्तियार नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहा कि ठीक है अमेरिका से बात करेंगे, अमेरिका को मनाने की कोशिश करेंगे या अमेरिका से कुछ कहेंगे। उसके जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वो बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ट्रंप के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई केसेस चले, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से भी रोका गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते, तो क्या भारत या पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, क्योंकि हर एक का यही ख्याल है कि ये अमेरिका का इंटरनल मामला है और वो खुद ही उस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसको परमिशन देनी है इलेक्शन की और किसको नहीं देनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जाहिर है अमेरिका एक बड़ी कंट्री है और अमेरिका को यही लगता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या कोई भी दूसरी कंट्रीज है, वहां पर उसका हुक्म चल सकता है। हमारे तक तो खैर चल जाता है। हमें अगर कह देते हैं कि जी आपने रशिया से ऑयल लेना है या नहीं लेना है तो उस पर भी हम अमेरिका की ही सुनकर काम करते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो डिक्टेशन मिलते ही रहते हैं, चाहे वो अमेरिका से मिले, चाहे वो सऊदी अरब से मिले, या आप कह लीजिए चाहे वो हमें चाइना यानी कि जो हमारा माई बाप है
चाइना वो हमें डिक्टेशन देता है, वो डिक्टेशन लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं और तभी हम काम करते हैं।